हम जा रहे हैं घर को, बस थोड़ा सा ही रास्ता यहाँ से बैंक करके फिर ऊपर को, तो चलिए चलिए। भेटी रहो, आपने कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ लो, इसको घंटी दे दो, एक ये घंटी ले, तब तक घंटी। जातु महालक्ष्मी प्रसीदतु, रक्षन्तु त्वां सदा देवौ सम्पदौ, स्वपत्यां दुराग्रह तमाल पत्र मालुक्यम आयुष्मान दीर्घायु भूयातम। प्राणजा सबको जय दादा। यहाँ जय कर दे। हाँ अबे रुक तो जा, चाचू वो पैर ही देखने में रह गया उसके, उसने छुपा दिए पैर। चाचू ताजी मम्मा को भी कर दे फिर, प्रांजल मम्मा को भी जा कर दे, मम्मा को गुड बॉय। और पापा को भी, पापा को भाई, इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा। Hey guys, good morning। आज है दूसरा दिन हमारा सोमेश्वर का, तो सुबह सुबह मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और प्रांजल बाबू मेरे को थे, प्रांजल बाबू ने सुबह 5 बजे से उठा रखा है, सुबह 5 बजे उठ गया था और हम भी उठ गए थे इसके संग। हम तो रुके हैं होटल पे और मम्मी पापा हैं घर पे। और ये देखिए सुबह सुबह टैक्सियाँ भी लग गई यहाँ चौराहे पे, ये देखिए चारों तरफ टैक्सी लग गई हैं। पापा, हाँ पापा है तो हैं, पापा हैं। तो गाइज अभी हम थोड़ी देर में, बस मैंने तो नहा लिया है, नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ और मीतू भी हो रही है रेडी। तो अभी हम निकलेंगे घर के लिए, तो वहाँ पूजा पाठ करेंगे बढ़िया करके। और अभी पंडित जी को भी लेना है, पंडित जी को लेके फिर घर जाएंगे, घर जाके मंदिर में पूजा वूजा करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं हम, फिर मिलते हैं सीधे घर ही में, मिलेंगे अब मंदिर वहाँ आपको। तो गाइज हम फिर पहुंच गए हैं घर अपने एक बार फिर, अब पूजा पाठ वगैरह करेंगे। और प्रांजल बाबू कह रहे हैं मैं पैदल जाऊंगा, ये देखो ये भी रेडी हो गई है, सब रेडी है, रुको मैं आगे जा रहा हूँ। और इसको अभी सिसोड़ा लग गया था, मज़ा आ जाता, लग जाता तो। प्रांजल तुम पैदल जाओगे? प्रांजल आराम से, ये देखो पैदल आऊँगा कह रहा मैं, पैदल पैदल आऊँगा कह रहा। तो पिछौड़ा ले लिया है, चलते हैं ऊपर को घर। तो गाइज हम जा रहे हैं घर को, बस थोड़ा सा ही रास्ता यहाँ से बैंक करके फिर ऊपर को, तो चलिए। तो प्रांजल की मम्मी की हालत खराब हो गई, अब मैं लेके जा रहा हूँ इसे ऊपर को ना अपने संग। हम कहाँ पहुँचे प्रांजल, कहाँ पहुँचे? ओ पहुँच गए हम घर, सामने घर रहा हमारा, ये देखो चलते हैं पगडंडी के रास्ते घर की तरफ, देखो हमारी परछाई। तो पहुंच गए हम घर और सब लोग यहाँ बैठे, पंडित जी भी आ गए। प्रत्येक अमूशी पहले दिन में करते हुए 15 घड़ी आ जाओ ऊपर, पापा यहाँ से आ रहे हैं। तो गाइज इतना मज़ा आ रहा है यहाँ, बढ़िया ठंडा, रात को तो इतना ठंडा हो गया था। हम तो रुके थे होटल में, मैं कल्पना प्रांजल मीतू और पापा मम्मी यहीं रुके हुए थे। तो सुबह सुबह प्रांजल ने 5 बजे से उठा दिया हमें रात भर, एक तो वैसी ढंग से नींद नहीं आई, सुबह प्रांजल ने भी उठा दिया। और अभी हमने पूजा वगैरह करनी है और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा बिल्कुल, मैं तो टी शर्ट ही लाया था, ठंडा लग गया। अब थोड़ा धूप आई है तो अब बढ़िया हो गया मौसम। तो अभी बस थोड़ी देर में पूजा वगैरह शुरू करते हैं, फिर निपटा के फिर दिन तक हम निकल भी जाएंगे हल्द्वानी को।
तो ये है हमारा मंदिर, जय हो भगवान, जय माता दी। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, कितने सुंदर जगह में हम रहते हैं, तो चारों तरफ कितनी सुंदरता है, कितना सुंदर है, मतलब इतना सुंदर चारों तरफ, इतना मज़ा आ रहा है। हल्द्वानी तो गर्मी से दिन भर हालत ख़राब हो जा रही है और यहाँ इतना मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं था, तो एक दो दो दिन के लिए आए थे हम, तो अब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, अब तो लंबा ही ज़्यादा टाइम के लिए आएंगे। प्रांजय भी छोटा है तो उसके संग हो भी नहीं पाता है, तो फ़िलहाल चलता हूँ मैं घर की तरफ। तो मम्मी भी आ गई है सामान लेके मंदिर को। मंदिर पहुंच चुके हैं हम, ये भी आ गया देखो छोटा हमारा, जय गुलजू महाराज। आराम से आना। तो अब हम गुलजू महाराज के वहाँ से आ गए, अपनी कालिका मैया के वहाँ, कालिका मंदिर में। जय हो मैया। जय माता दी, जय मैया। तो गाइस धोती भी पहन ली है, धोती पहन के हो गया हूँ मैं तैयार, और ये भी तैयार हो गया, पिछौड़ा पहन, घूम रहा, कोई बात नहीं, कीड़ा है कीड़ा, ये आदमी क्या चाचू कर रहे हैं आराम यहाँ बैठ के, और यहाँ अग्नि भी जल गई है, बच्चे भी यहाँ सब लगे हुए हैं, हमारा प्रांजय बाबू भी पूजा कर रहा है, तो बैठते हैं अब हम पूजा में। जय हो। और ये नीचे घर है हमारा, ऊपर है मंदिर यहाँ। ओ बड़ी घंटा शंख भी दो। हाँ आप बैठे रहो, आपने कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ लो, इसको घंटी दे दो, ये घंटी ले, तब तक घंटी को बजा लो, बैठ के बैठ के, एक जगह बैठ के बजाओ, खड़े हो कि नहीं, पानी का लोटा भी ले आओ अपना। आराम से हैं, पीछे का ध्यान रखें। प्रांजय जय जगन्नाथ। क्या है, क्या मुंह में डाला इसने कुछ? प्रांजय क्या खाया तुमने? चावल। अच्छा कच्चे चावल खा रहे अंदर बच्चा। अक्षत खा गया तू? ओए हैं, आकर तो आकर आकर मुंह में क्या है? चावल निकाल दिए ना। ठोक चालू है। महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवौ सम्बलौ स्वपत्यां दुराग्रह तमालपत्रमालोक्यम् आयुष्मान् दीर्घायुः अतमहम् औप्महम् श्रीयामनिगमबखानि निगमबखानि तुम शिव पटराणि ॐ जय अम्बे। हमारी पूजा पाठ हो चुकी है पूरी, और प्रांजय बाबू आगे गोद में, प्रांजय बाबू मचा रहे थे उधम अभी तक, और पूजा हो गई है, अब हम नाश्ता वगैरह खा के निकलेंगे घर को, सभी लोग चल रहे हैं घर की तरफ। जय करो, घंटी बजाओ, घंटी ये बजाओ, हाँ जोर से बजाओ, ऐसे करो, चलो बज गई, चलो जय माता दी, चलो भगवान।
आशीर्वाद बनाए रखना। तो भगवान चलते हैं अब नीचे को। तो नीचे आ गए हैं हम पूजा पाठ करके घर की तरफ। अब करेंगे हम नाश्ता, फिर निकलेंगे हम घर को हल्द्वानी। तो घर पहुंच चुके हैं, बढ़िया अच्छे से पूजा पाठ हो चुकी है हमारी। प्राण जय सबको, जय कर रहे हैं। जय कर दे। हाँ अबे रुक तो जा, चाचू चाचू पैर ही देखने में रह गया उसके, उसने छुपा दिए पैर। चाचू ताजी मम्मा को भी कर दे फिर प्राण जय, मम्मा को, मम्मा को भी जा कर दे, मम्मा को। गुड बॉय। और पापा को, पापा को भी, पापा को। भाई ना बड़ा, हाँ इतना बड़ा। दादी को भी करो। गुड बॉय। इतना बड़ा, हाँ कलपुली कहाँ है, कहाँ बैठी हो? कितना टाइम हो गया है, गौरैया नहीं दिखाई देती हैं। और हमारे हल्द्वानी में मैंने तो कब से नहीं देखी है, बचपन में देखती हमारे आंगन में आती थी, लेकिन यहाँ पहाड़ में मुझे गौरैया दिखाई दे रही है अपने यहाँ। बढ़िया, देखिए दिखाऊंगा, आप दिखती है नहीं दिखती है कैमरे में, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए सामने सामने देखिए पेड़ में खेल रही है, ये देखिए लकड़ी में बैठी है, ये खेल रही है। उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है, ये देखो बहुत सारे। तो खाना ले लिया हमने, झोली भात रोटी और सब्जी सभी लोग खा रहे हैं। कल्पना खा रही है, मिठा खा रही है। प्रांजय बाबू कह रहे हैं प्रांजय खाना खाएगा। तो अब हो गया खाने का टाइम और हम निकल रहे हैं घर को। चाचू आ रहे हैं बैग लेके, मम्मी आ रही है और सब बैठे हैं यहाँ पर। चलते हैं हम घर को, निकलते हैं। तो गाड़ी में पहुंच गए हम और सब यहाँ बैठे हैं इंतजार में। पापा भूल गए अपनी अंडरवियर, अंडरवियर लेने भेजा है। अरे बदबू आ गई प्रांजय को, काहे की बदबू आ रही गाड़ी में, गाड़ी में बदबू आ रही। अंडरवियर आते ही हम निकलते हैं तुरंत, अंडरवियर भूल गए हैं। तो गाइज निकल रहे हैं अब हम, दिन के बज गए 12। चले प्रांजय बाबू चले, चले चलो फिर चलो। ठीक है ठीक है, प्रांजय ने कह दिया आप चलो, हम चल रहे हैं 12 बजे निकलते हैं। अब देखते हैं आते समय तो रानीखेत से आते, जाते समय अल्मोड़ा से जाएंगे। अब तो चलते हैं, आ गए हैं। और ये हमारे नीचे को खेत चुका है, ये सारे खेत जो है प्लेन वाले, घर तो ये हमारे पहाड़ के खेत हैं। चलते हैं अब घर को। हम पहुंच गए अल्मोड़ा, 1:30 बज रहे हैं, तो 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में अल्मोड़ा पहुंच गया। प्रांजय बाबू को सुसू आ गई थी, तो हम रुके थे यहाँ पर, एकांत भोजनालय है यहाँ पर रुके थे। तो अभी फ़िलहाल अब आगे को बढ़ते हैं, निकलते हैं घर की तरफ। और बहुत टाइम बाद आज अल्मोड़ा आके भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ प्रांजय बाबू की चल रही है ड्रेसिंग, ड्रेस पहन रहा है अपनी पैजामा नंगू बाबू। तो गाइस अभी रुके हैं गर्म पानी में और यहाँ चल रही है हमारी रायता पकौड़ी चाय आलू, छान दिया हुआ ना मस्त बिल्कुल एकदम। अब प्रांजय के लिए दूध आ गया, रायता ऐसा हो रहा है बिल्कुल कान से धुआं निकल रहा है, नाक से दूध झन हो रही है, मज़ा आ गया बढ़िया। प्रांजय बुब्बू पी लो, बुब्बू पी लो, रायता तो तुम खा नहीं रहे हो, बुब्बू पी लो।